डॉलर्स का माइक्रोवेव 4-in-1 530 डिजिटल ऑपरेट के साथ है आपका, और सर डिशेज दी हुई है इसके अंदर, आप मुकम्मल बेकिंग ग्रिलिंग वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हैं। एयर फ्रायर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको स्टार्ट करूंगा, ये ऑटो टाइमर इसका सिलेक्ट हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिव्यू विद दानी। आज हम आपको मुकम्मल रिव्यूज़ देंगे डॉलर्स के 4-in-1 माइक्रोवेव के बारे में। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डॉलर्स का माइक्रोवेव 4-in-1 530, ठीक है, ये आपका माइक्रोवेव 4-in-1 के साथ है आपका। इस ये आप माइक्रोवेव प्लस ओवन, कन्वेक्शन ओवन, ठीक है, प्लस आप इसके अंदर ग्रिल, प्लस आप इसके अंदर एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। ये 4-in-1 मॉडल है आपका डॉलर्स का। बाकी फीचर्स इसके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इसका पैनल दिया हुआ है, डिजिटल ऑपरेट के साथ है आपका, ठीक है, रेड कलर में ये आपका अवेलेबल है। इस टाइम क्लॉक टाइमर है सबसे पहले, ठीक है, और इसके अंदर आपका इंटरनेशनल डिले दिया हुआ है, ठीक है, और सर डिशेज़ दी हुई है इसके अंदर आपकी, ब्रेकफास्ट वगैरह स्नैक्स वगैरह आप इसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद ये आपकी टर्का कड़ी दी हुई है, उसके बाद आपकी ब्रेड बास्केट वगैरह इसके अंदर, ये स्टीम क्लीन का ऑप्शन इसके अंदर आपका दिया हुआ है, फिर पनीर घी कार्ड वगैरह के सारे आपके इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इसके अंदर आप मुकम्मल बेकिंग ग्रिलिंग वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये इसका उसके बाद एयर फ्रायर का ऑप्शन दिया हुआ है, एयर फ्रायर वगैरह आप कर सकते हैं। फिर जब आप ऑपरेट करने की बारी आती है, आप पावर लेवल का इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपने इसके अंदर कोई रोटी वगैरह आपने अगर गर्म करनी हो तो उसको पावर कम चाहिए होती है, अगर फुल पावर पर अगर आप माइक्रोवेव में उसको गर्म करेंगे क्या होगा, वो सुकड़ जाएगी। उसके बाद कुक टाइम दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, कुक टाइम का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, फिर टाइम डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन है इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपका ग्रिल का ऑप्शन आ जाता है, फिर कॉम्बो आ जाता है आपका, कॉम्बो 1 और कॉम्बो 2, और इसके बाद हम आपको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये कन्वेक्शन का ओवन आ जाता है आपका, कन्वेक्शन ऑप्शन आ गया, फिर ये इसका टाइमर दिया हुआ है, मिनट्स में भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंड्स में भी, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस स्टार्ट 30 सेकंड आपने इसके अंदर सिर्फ करना हो, गर्म करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉप कैंसिल का ये दिया हुआ है, और ये हैंडल डोर ओपन के साथ है आपका, हैंडल डोर आप इसको ओपन कर सकते हैं। अंदर से ये आपका स्टील बॉडी के साथ है, मुकम्मल मुकम्मल स्टील बॉडी दी हुई है, और मैं आपको बाकी एक्सेसरीज इसकी दिखाता हूँ। ये इसकी एक्सेसरीज है, ये इसकी सबसे पहले बुकलेट दी हुई है, मॉडल वगैरह लिखे हुए हैं इसके अंदर आपके, ठीक है, और वारंटी है, वारंटी जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोवेव की 1 साल वारंटी है डॉलर्स की। और उसके बाद ये स्टील के ग्रिल दी हुई है, 2 ग्रिल इसके अंदर मौजूद है, एक छोटी ग्रिल है बड़ी, और इसके अंदर पिज़्ज़ा पैन भी मौजूद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट ज़रा। ग्रिल्स दी हुई है इसके अंदर आपकी, ठीक है, 2 ग्रिल हैं इसके अंदर आपकी, और आपको पिज़्ज़ा, ये इसकी आपकी दी हुई है पिज़्ज़ा पैंट्री दी हुई है इसके अंदर आपकी, तो ये बाकी आपकी ये प्लेट भी हुई है, ठीक है, ये मुकम्मल आपकी ग्लास में होती है, बहुत एहतियात से यूज़ करनी होती है आपको इसकी, ठीक है, टूट जाए तो बसला बन जाता है। और ये इसकी पैडल ट्रे जो होती है इस मॉडल के अंदर, ये फिक्स दी हुई है, ठीक है, ये फिक्स आपकी ट्रे दी हुई है। बाकी ये आपको यहाँ से हीट देगा, यहाँ से हीट देगा, यहाँ से, ये आपको 4D साइड से तकरीबन 4 साइड से ही आपको हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4-in-1 के साथ है आपका, कन्वेक्शन ओवन है आपका जी, ठीक है, इसमें आप हर तरह की बेकिंग और ग्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह आपने बनाना है, जो भी आप इसके अंदर बेकिंग करना चाहते हैं हर तरह की आप बेकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर ना ऑटो सेटिंग हुई हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, हर तरह की आप बेकिंग कर सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, ठीक है, मीट वगैरह, फ़िश वगैरह, बेवरेजेस आपकी, पॉपकॉर्न वगैरह, आप सब कुछ इसके अंदर बना सकते हैं। इसकी जो पावर है, इनपुट पावर तकरीबन 1450 इसकी पावर दी हुई है, ठीक है, और रेसिपीज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 300+ रेसिपीज़ आप इसके अंदर पका सकते हैं, कितनी 300 से ज़्यादा आप रेसिपी इसके अंदर पका सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किचन चेफ़ की जो है रेसिपी बुक भी मिल जाएगी, जो डॉलर्स की अपनी रेसिपी बुक है वो पहले 7 आती थी लेकिन आप ख़त्म कर दिए, उसके लिए उन्हें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते होंगे स्कैन QR कोड, ठीक है, आप जब ये स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में इसकी पूरी बुकलेट आ जाएगी, रेसिपी बुकलेट की जितनी भी होंगी वो आपकी मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी, ठीक है, कोड स्कैन करके, ठीक है, आपने इसकी रेसिपी बुक को डाउनलोड कर लेना, आपको तमाम रेसिपीज़ जो हैं आपकी 300+ हैं, ठीक है, आप वो सारी इसकी बुकलेट से देख सकते हैं, और आप बेक भी कर सकते हैं, ग्रिल भी, और एयर फ्रायर का भी ऑप्शन आपको मैंने जैसे बताया, इसके अंदर एयर फ्रायर कुछ भी चीज़ आप फ्राई कर सकते हैं, आपको इलादा से एयर फ्रायर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एयर फ्रायर का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है,
बाकी मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आज ये ऑपरेट वाली जगह चलते हैं, इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो जी गाइज, मैं आपको ऑपरेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो फंक्शन दिए हुए हैं वो आपके ऑटो सेट है, ठीक है। जब तक आप इसके अंदर कुछ चीज़ रखेंगे नहीं, ये ऑपरेट नहीं होगा। सबसे पहले आपने इसकी प्लेट लगानी है, फिर ही आपका ऑपरेट करना शुरू करेगा। अगर आपके इसके ऊपर प्लेट नहीं लगाएंगे तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। आपने ठीक तरह से प्लेट को अंदर रख देना है, और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, क्लॉक टाइमर है, अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप कैंसिल आपने यहाँ से करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपकी 300 प्लस रेसिपीज़ है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए कि इंटरनेशनल में आपकी जितनी भी डिशेज यूज़ होती हैं वो इन्होंने बेसिकली ऑटो सेट किया हुआ है, ठीक है। ये सारा ऑटो सेट हुआ है, जितना मैं इसको प्रेस करूँगा ये 5, 6, 7 आगे चलती जाएंगी कि इसके अंदर कितनी रेसिपी है। वो शो नहीं कर रहा, वो आपको शो होगा जब आप इसकी रेसिपी बुक डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर ये इनका बार कोड लिखा होगा कि क्या चीज़ है और ये किसका बार कोड है। सपोज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये पिज़्ज़े का बार कोड है आपका, ठीक है। वो आपने रेसिपी बुक जो है आपने उससे चेक करना है, ठीक है। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये ऑटो टाइमर इसका सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं कि 20 मिनट उसने टाइमर उठा लिया, ठीक है। ये इंटरनेशनल में आप जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप इसमें बना सकते हैं, इंटरनेशनल जितनी भी। और उसके अलावा और सब डिशेज़ जो है वो भी आप इसमें बना सकते हैं। इसी तरह आपका 1 से लेके मैक्सिमम तक दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपका मैक्सिमम 1 से लेके दी हुई है रेसिपीज़ हैं बेसिकली आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर ही वो नाम नहीं शो कर रहा क्योंकि ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसी तरह तड़का वगैरह, ब्रेकफास्ट, डिज़र्ट, सूप, स्टीम, क्लीन, सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद लास्ट चीज़ इसकी रह जाती है आपकी एयर फ्रायर की, रह जाती है। इसमें एयर फ्रायर की भी है, सपोज एयर फ्रायर में आपने कुछ भी करना है, नगेट्स वगैरह करनी है, फ्राइज़ बनानी है, तो इसी तरह उन्होंने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे सपोज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो 16 मिनट का टाइमर आ गया, तो इसका मतलब है ये कि सपोज़ ये आपके नगेट्स बन रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसकी रेसिपी बुक डाउनलोड करेंगे ये QR कोड स्कैन से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ठीक है। अभी ये चल रहा है, मैं इसको दोबारा स्टॉप करता हूँ। बेकिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर कम्प्लीट, उसके बाद आप ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। फिर ये आपकी कन्वेक्शन का ओवन आ गया, ठीक है। ये आपका कन्वेक्शन का ओवन है, आपने जितनी पावर रखनी है कम ज़्यादा करनी है, ठीक है। मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा उसकी कन्वेक्शन की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। और लास्ट में इसका जो एयर फ्रायर का भी मैंने बता दिया। और सिंपल अगर आपने माइक्रोवेव यूज़ करना है, सेकेंड्स में यूज़ करना है, ये टाइमर दिया हुआ है 10 सेकेंड तक, 15 मिनट तक, 3 सेकेंड। और अगर मैक्सिमम टाइमर यूज़ करना है किसी चीज़ को गर्म करने के लिए 10 मिनट तक है। वैसे आपको ज़रूरत जो मैक्सिमम होती है खाना गर्म करने के लिए वो तकरीबन 1 मिनट तक होती है। तो इसके अलावा मैं आपको समझाने के लिए लास्ट में कुछ इसकी डाउनलोड करके तो मैं अपनी वीडियो में ऐड कर दूंगा इसकी रेसिपीज़, ठीक है। मैं लिंक तो नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं डाउनलोड करके कुछ रेसिपीज़ जो है तो मैं आपकी इसकी बुकलेट पर दिखा दूँगा कि क्या रेसिपीज़ है और क्या बार कोड है। बाकी जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, 300+ आप रेसिपीज़ इसके अंदर पका सकते हैं, मुकम्मल बेकिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, कन्वेक्शन ओवन है आपका साथ ही आपका, ठीक है। ग्रिलिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, और माइक्रोवेव भी आपका, और प्लस एयर फ्रायर 4-in-1 मॉडल के साथ आपका। ये डॉलर्स का बहुत अच्छा मॉडल निकाला है, और 1 साल आपको ये वारंटी दे रहा है। बाकी इसमें टाइम इसमें एक ही कलर अवेलेबल है। बाकी इसको ऑपरेट करना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी ऑपरेट करना है इसको, ठीक है। और आप तब ही इसको ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं जब तक आप इसकी बुक को डाउनलोड नहीं करेंगे। जब आपने इसकी बुक डाउनलोड कर ली तो आप समझ लें कि आप इसको इंतहाई आसान से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सबसे पहले इसकी जाने जब भी आप इसको बाय करें लेके जाएं, सबसे पहले आपने इसकी बुक डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको आइडिया हो कि आप इसमें क्या क्या बेक कर सकते हैं, क्या क्या ग्रिल कर सकते हैं। एयर फ्रायर का भी ऑप्शन है और माइक्रोवेव का भी ऑप्शन है। तो उम्मीद है गाइज आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार लाजमी करें। थैंक यू।